अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नॉन थ्रस्ट ऑसिलेशन टेक्निक, जो कि मोबिलाइजेशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने मेटलैंड लिखा है क्योंकि इसे मेटलैंड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और मेटलैंड के ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन भी कहते हैं। अब मेटलैंड कौन था, ठीक है, उसने किस तरह ग्रेड्स दिए। मेटलैंड, आप एक बात याद रखिए, मोबिलाइजेशन जो अप्लाई की जाती है ना, मोबिलाइजेशन मैंने आप लोगों को कहा था, मोबिलाइजेशन का मतलब जॉइंट को मूव करना। ठीक है, मूव करना है जॉइंट को। तो अब हर बंदे ने, जो साइंटिस्ट थे ना, मैनुअल थेरेपिस्ट थे, उन्होंने, हर साइंटिस्ट ने ना अपने ग्रेड दिए थे। जैसे हम लोग घर में कोई चीज़ बना लें, पकौड़े बना लें, तो हर किसी का अपना तरीका होता है ना बनाने का। कोई कहता है कि मेरे से, मैं इस तरीके से बनाऊंगा, आलू डालूंगा तो ज़्यादा अच्छी बनेंगे। कोई इस तरह करते हैं कि मिर्ची ज़्यादा डाल दी तो अच्छे बनेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास भी डिफरेंट थाट्स थी, डिफरेंट साइंसिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने ग्रेड दिए कि मेरा तरीका जो है ना, उससे मोबिलाइजेशन करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जिनमें से एक था मेटलैंड। मेटलैंड ने, आप देखते हैं कि किस तरह से मोबिलाइजेशन का तरीका बताया। सबसे पहली बात याद रखनी है, मेटलैंड के चार ग्रेड हैं। चार में से पहले दो जो है ना, ये पेन को रिलीफ करने के लिए करते हैं मोस्टली, और रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। जो थर्ड और फोर्थ है ना, ये हम लोग रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब ना इसमें कुछ बातें हैं, जो कुछ चीज़ें हैं याद रखने वाली, वो है एक अवेलेबल ज्वाइंट प्ले। ज्वाइंट प्ले हम लोगों ने पढ़ा था, ज्वाइंट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो ज्वाइंट प्ले है हमारे पास। ठीक है, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद जॉइंट प्ले, जॉइंट के अराउंड आप लोगों ने देखा होगा एक कैप्सूल होता है। ठीक है, कैप्सूल रेजिस्ट कर रहा होता है मूवमेंट को, समटाइम एडियंस बन जाती हैं उसके अंदर इस वजह से, या फिर नॉर्मली भी वो इस कैप्सूल से बाहर नहीं जाने देता जॉइंट की सर्फिस को। ठीक है, और उसके बाद एक होती है एनाटॉमिकल लिमिट। ठीक है, जब अगर आप बोन को, जॉइंट की जो दो सर्फेसिस होती है उसको एनाटॉमिकल लिमिट से बाहर ले जाओ, तो उस पर क्या होगा कि बाहर ले जाने से, एनाटॉमिकल लिमिट के बाहर जाने से वो जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, ये कनकेव बोनी पार्टनर है और ये कन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, हमने मूव करना है कन्वेक्स को। ठीक है, सबसे पहली बात, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब कि आपने बोन को एक दूसरे से दूर लेके जाना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैं रिस्ट पर करके दिखाती हूँ। अपनी मोबिलाइजेशन करना थोड़े से मुश्किल होता है। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ से पकड़ूँगी, ठीक है, और इस तरह खींचूँगी, ठीक है, स्किन नहीं खींचनी, यहाँ से क्लोज करके इस तरह। ठीक है, तो ये जॉइंट की डिस्ट्रैक्शन होती है। डिस्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर ना एक, हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीटमेंट प्लेन। ट्रीटमेंट प्लेन एक लाइन होती है जो कनकेव बोनी सरफेस से के राइट एंगल पर पास कर रही होती है। अब जो हम ग्लाइड देते हैं ना, ग्लाइड इसके, इस ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल होता है, यानी कि ये जो बोन है इसको हम उठा के या तो इधर करेंगे या इधर करेंगे। ठीक है, इस तरह इस ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल मूव करेंगे। ठीक है, इसी दोनों डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं इसकी टिश्यू रेजिस्टेंस की और अवेलेबल रेंज। अब यहाँ पे आप समझ लें कि इसके अराउंड, इस जॉइंट के अराउंड एक कैप्सूल है। ठीक है, ये कैप्सूल है। अब ये बोन जो है ना, ये कैप्सूल के अंदर यहाँ यहाँ तक मूव कर सकती है। यहाँ कैप्सूल के बाद ना, ये जो है ना, ये एनाटॉमिकल लिमिट है। अगर आप यहाँ से ज़्यादा बाहर लेकर जाओगे तो जॉइंट जो है ना, वो डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ एक दफ़ा। ये देखिए, फॉर एग्जांपल, ये शोल्डर जॉइंट का मैं बता रही हूँ, ग्लिनोइड कैविटी समझ लें, इसको ह्यूमरस का हेड समझ लें। ठीक है, अब ये इसका ह्यूमरस का हेड है, ये वाली सरफेस में ले आती हूँ। ठीक है, अब ये इसके जॉइंट कैविटी ये पूरी है, तो इसके अंदर ही ये मूव करेगा। ठीक है, इसके ऊपर ये मैं इस तरह फिंगर रख लेती हूँ, ये कंसीडर कर लें इसको जॉइंट कैप्सूल, जो कि हमारे पास ये रेंज है अवेलेबल रेंज के, यहाँ तक मूव कर सकता है। इसके बाद ये जो है, ये टिश्यू रेजिस्टेंस है कि यहाँ तक, इससे बाहर मैं यहाँ लेके आने लगी तो ये टिश्यू की रेजिस्टेंस आने लगी। ठीक है, टिश्यू रेजिस्टेंस के बाद एक होती है, ये मेरी फिंगर समझ लें, ये एनाटॉमिकल लिमिट है। ठीक है, अगर मैं इस हेड को यहाँ टिश्यू तक ले जाऊँगी, इससे भी ऊपर यहाँ तक ले जाती हूँ, तो ये डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने ले आना है, टिश्यू रेजिस्टेंस तक। ठीक है, अब ग्रेड देखते हैं। ग्रेड वन में क्या है, हम एक बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो डिस्टेंस होता है मिलीमीटर में, कि हम लोगों ने जो जॉइंट को मूव किया है वो कितने डिस्टेंस तक किया है। ये चीज़ यहाँ पे देखें, ठीक है, ये इसके अंदर ये कितना मूव कर रहा है। ठीक है, आगे पीछे इसी तरह करते हैं ना, इस तरह डिस्ट्रैक्ट करके जॉइंट को यूं मूव करते हैं। ठीक है, तो ये कितना यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, कितना मूव किया, तो इसको कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। तो अब ग्रेड पढ़ते हैं। ग्रेड वन में क्या है, स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन एट द बिगनिंग ऑफ रेंज लाइक मैनुअल वाइब्रेशंस।
यानी कि यहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है, रेंज के बिल्कुल स्टार्ट में आप इस तरह करते हो, ठीक है, ऑसिलेशंस, स्मॉल एम्पलीट्यूड डिस्ट्रैक्ट किया और ऐसे बिगनिंग पे बिल्कुल एंड तक लेके ही नहीं गए, स्टार्ट में ही डिस्ट्रैक्ट करके स्मॉल ऑसिलेशंस देनी है, जैसे आप वाइब्रेशन कर रहे हो, ठीक है, मैनुअल वाइब्रेशन। उसके बाद ग्रेड टू क्या होता है, ग्रेड टू है लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन विद इन द रेंज, ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखें, ये बिगनिंग रेंज थी, एम्पलीट्यूड बिल्कुल इतना सा है, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड है, और रेंज बिल्कुल ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अवेलेबल रेंज है, ठीक है। इसके बाद टिश्यू आ गया, रेजिस्टेंस, उसके बाद एनाटॉमिकल लिमिट। तो यहाँ तक बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों ने मूव करना है, इसको ना थोड़ा सा आगे लेकर यहाँ से विद इन द रेंज, रेंज के अंदर ही रहेंगे लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, इसलिए एरो बढ़ा हुआ है कि ज़्यादा हम लोगों ने आगे पीछे लेकर जाना है। यहाँ पे जैसे देखें आप, पहले इस तरह छोटा छोटा था, ठीक है, आप ये ज़्यादा ज़्यादा आप कर दें, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं, ये टिश्यू रेजिस्टेंस है ना, इसके बाहर नहीं जाना, यहाँ तक लाना है, ठीक है, यानी कि कैविटी के अंदर ही रहना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ग्रेड थ्री, ग्रेड थ्री में है लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन अप टू द लिमिट ऑफ अवेलेबल रेंज, ठीक है। अब लार्ज एम्पलीट्यूड तो है, रिदमिक ऑसिलेशंस हैं, लेकिन लिमिट तक हैं, यानी कि जॉइंट की कैप्सूल है, तो ये जो लिमिट है जॉइंट कैप्सूल से पहले ये यहाँ तक इस तरह आएंगी, ठीक है। अब फोर्थ वाला जो है ना, इसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, रिदमिक ऑसिलेशन एट द लिमिट ऑफ अवेलेबल मोशन, यानी कि अगर मूवमेंट यहाँ तक थी, यहाँ तक हो सकती है, ये देखें, तो इसको ना यहाँ तक लेके जाना है, लेकिन थोड़े से एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ से देख लें, ठीक है, मॉडल नहीं था मेरे पास, वरना मैं मॉडल पे करवा के आप लोगों को दिखा देती। ये देखें, बिल्कुल आगे लेकर जाना है, उसके मूवमेंट डिस्ट्रैक्ट करना है जॉइंट को, और फिर एंड पे ले जाके थोड़ा सा एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड रखना है, लेकिन लिमिट के ऊपर जाके बिल्कुल एक स्ट्रेच आएगा, कैप्सूल के ऊपर स्ट्रेच आएगा और जॉइंट मोबिलाइज होगा और रेंज बढ़ जाएगी। ये ग्रेड से हमारे पास नॉन थ्रस्ट ऑसिलेशन टेक्निक्स इसको कहते हैं, या मेटलैंड के ग्रेड्स भी कहते हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आई विल ट्राई कि मैं मॉडल पर भी आप लोगों को करके प्रैक्टिकली दिखा दूँ ये चीज़ें। सो थैंक यू सो मच।